आज हम बात करेंगे डलहौजी की, जो कि बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, जहां लोग अपना वीकेंड स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जहां पे आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। सो लेट्स गो। अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो गगल एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट, जो कि कांगड़ा वैली में है। बाय ट्रेन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज पठानकोट। पठानकोट 80 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है डलहौजी से। बाय रोड जाने के लिए आपको HRTC की बसेस कांगड़ा वैली से मिल जाएंगी, जो कि आपको इजीली डलहौजी तक पहुंचा देंगी। अगर आप दिल्ली टू डलहौजी बाय रोड अपनी प्राइवेट गाड़ी से ट्रेवल करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी खूबसूरत रूट है और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप ये रोड मैप भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर द एकोमोडेशन काफ़ी सारे वेराइटीज़ अवेलेबल हैं होटल्स और रिसॉर्ट्स की। आपको 1800 to 15,000 ऑन एन एवरेज पर नाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट। नंबर 1, खजियार। इट्स अ स्मॉल टाउन और इसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं। बेहद खूबसूरत जगह घूमने के लिए। ये 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है डलहौजी से। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है खजियार, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इट्स अ टॉप मस्ट विजिट प्लेस। नंबर 2, चमेरा लेक। 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है डलहौजी से और ये काफ़ी खूबसूरत लेक है। इस लेक में बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सब सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पे शॉपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, मीन्स आप अपना एक दिन यहाँ पे पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नंबर 3, काला टॉप। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीपल लव टू डू ट्रैकिंग ओवर हियर। ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग को। और यहाँ पे अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो भी बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी सारी वेराइटीज़ भी आपको बर्ड की यहाँ पे मिलेगी। इट्स अ 12 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम खजियार। It's also a top must visit place. Number 4, Satdhara Waterfall. यह वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। 7 धाराओं की वजह से इसका नाम सतधारा वाटरफॉल पड़ा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्स लेने का मौका मिलेगा और आप इसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 5, गंजी पहाड़ी। इट्स अ फेमस 5 किलोमीटर अपहिल वॉक इन डलहौजी। इस पहाड़ी पे एक भी पेड़ ना होने की वजह से इस पहाड़ी का नाम गंजी पहाड़ी पड़ा। थिंग्स टू डू ओवर हेयर, हाइकिंग, ट्रैकिंग। पीपल लव टू डू ट्रैकिंग ओवर हेयर एंड विजिट पंचकुला। नेक्स्ट एंड 6th डेस्टिनेशन इज पंचकुला।
इट्स अ 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम डलहौजी। यहाँ पे करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी। इट्स फेमस फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एंड द ब्यूटिफुल पंचपुला वाटरफॉल। नंबर 7, दनकुन पीक। इट्स अ हाईएस्ट पीक ओवर हियर। ये डलहौजी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हाईएस्ट पीक होने की वजह से यहाँ से आप रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू ले सकते हैं। यहाँ से आपको चिनाब, रावी और व्यास नदी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देगा। इट इज़ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। नंबर 8, सेंट जॉन चर्च। इट्स अ ब्यूटिफुल चर्च एंड इट्स फेमस फॉर हिज आर्किटेक्चर। नंबर 8, सुभाष बौली। इट्स फेमस फॉर हिज हिस्ट्री, नेचर एंड फोटोग्राफी। पहाड़ों से घिरी हुई ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे 7 मंथ्स स्पेंड किए थे इन 1937। नंबर 10, सच पास। इट्स अ माउंटेन पास इन चंबा वैली एंड इट्स सिचुएटेड ऑन 14,500 फीट। ये फेमस है ट्रैकिंग, नेचर और एडवेंचर के लिए। यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है बट इट्स नॉट वेरी इजी टू डू ट्रैक ओवर हियर। फाइनली कंप्लीटेड टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट। नाउ लेट्स कम टू द फूड सेक्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं और आपको हर तरीके की फूड वैरायटी मिलेगी। वेज, नॉन वेज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, हर तरीके का खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर डाइट कॉन्शियस तो आपको काफ़ी अच्छी फ्रूट्स की वैरायटी मिलेगी। यहाँ काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स और हर तरीके के फ्रूट्स आपको मिलेंगे खाने को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।